तो अभी गोल्डन टेम्पल का पूरा ब्लॉग बना लिया हमने। बनाने के बाद चलेंगे जलियांवाला बाग। तो अपना जो जलियांवाला बाग है उसका जो गेट है एंट्री, वहाँ चलेंगे। पहले उससे पहले आपको दिखाता हूँ मैं, ये राइट साइड में लेफ्ट साइड में सबकी मूर्तियाँ हैं। तो पहले इनका म्यूजियम होता है, म्यूजियम में जो देखेंगे आगे। हेलो, जो पहला जो हमारा जो एंट्री गेट था, अपना पहला म्यूजियम था, वहाँ पर थिएटर लगा हुआ था, वहाँ पर सारी हिस्ट्री दिखाई गई थी जलियांवाला बाग की। तो अभी मैं जाऊँगा जलियांवाला बाग में, जो शहीद स्मारक जो बनी हुई है, देखो नीचे तक पार्क कर रखा है इसके अंदर, देखो सामने, ये देखो सामने सारी गोली के निशान है सारी। तो जलियांवाला बाग के अंदर जो जो मेन मेन चीज़ें थी, जहाँ पर गोली चलाई गई थी, जनरल डायर के थ्रू, उनकी जो सेना के थ्रू जो चलाई गई थी जितनी भी गोली, स्ट्रक्चर देख लिया, शहीद स्थल देख लिया। अभी चलिए, सो गाइस चलेंगे जलियांवाला बाग। तो कहाँ चलने का प्लान है अखिल भाई? जलियांवाला बाग चलेंगे अपन अभी यहाँ से। आओ, तो अभी गोल्डन टेंपल का पूरा ब्लॉग बना लिया हमने। बनाने के बाद चलेंगे जलियांवाला बाग। अभी मैं खड़ा हूँ जलियांवाला बाग के मार्केट के अंदर, और बनाऊंगा जलियांवाला बाग के अंदर। तो बने रहे ब्लॉग का डेली वाले ब्लॉग। तो आप अभी हैं मार्केट के अंदर। सबसे पहले जो पड़ेगा एक्सट्रक्शन, पीछे जितने भी लोग शहीद हुए थे उसके अंदर उनका नाम प्लस मूर्ति के जो शेप बनाई गई हुई है, वो पहली चीज़ वही पड़ेगी। आओ देखते हैं। तो पहुंच चुके हैं गेट पे, जलियांवाला बाग के गेट पे। आ जाओ यहाँ से एंट्री। तो अपना जो जलियांवाला बाग है उसका जो गेट है एंट्री, वहाँ चलेंगे। पहले उससे पहले आपको दिखाता हूँ मैं, ये जितने उस लोग वॉर के अंदर जो शहीद हुए थे उनके यहाँ पर आकृति बनी हुई है, सबके नाम भी है इसमें। इन सबके यहाँ पर नाम भी लिखे हुए हैं, ये नाम है उन सबके यहाँ पर चेहरे जो यहाँ पर शहीद हुए थे। आओ इसका स्ट्रक्चर दिखाता हूँ जाने के लिए। आओ, यहाँ पर जैसे मैंने बताया था आपको, जितने भी उस वॉर में जो आपका शहीद हुए थे उनका नाम दे रखे हैं सारे यहाँ पर नीचे। जैसे भगत, अलीगढ़ राम, आनंद राम, जितने भी नाम हैं सारे गुजरे हुए हैं। प्लस उनके जितने भी जो बच्चे बूढ़े जवान जितने भी यहाँ, सबकी फोटो लगाई गई है, आकर्षित बनाई गई है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, ताकि उनको याद रखा जाए कि किन किन वॉर में किन किन लोगों की शहीदी हुई थी, बच्चे बूढ़े जवान सबका इसके अंदर वॉर था, काफ़ी दुखद घटना हुई थी है। तो इसमें मेंशन भी है, अगर दिखाना 13 अप्रैल 1919 के अंदर जो कांड हुआ था बैसाखी के दिन, उन सब के बारे में यहाँ दे रखा है, सब सब लिख भी रखा है। मेरे हाथ में जो बुक है इसका भी नॉलेज है। अभी चलेंगे जलियांवाला बाग के लिए। राइट साइड में लेफ्ट साइड में सबकी मूर्तियाँ हैं। अभी यहाँ से अपनी एंट्री है। एंट्री से जो पहले जो अपना राइट साइड में जो मूर्ति बनी हुई है, जितने भी जलियांवाला बाग के शहीद हुए थे उन सब की मूर्तियाँ बनी हुई है, ऐसा अपना एंटर है। तो पहले इनका म्यूजियम होता है, म्यूजियम में जाके देखेंगे आगे। हेलो, भारत के देश में क्रांति करने आजाद के फौज विभाजन की घृणा युक्त लड़ाई में सभी हमें उनके वीर संघर्षों और बलिदान की याद रखते हैं।
तो यहाँ पर थिएटर लगा हुआ है, जो फिल्म थी उनकी पुरानी वो यहाँ पर शूट हुई है, दिखाते हैं यहाँ पर। Independent India is indebted to the sacrifices of thousands of freedom fighters who gave up their today for us. The sacrifices, their martyrdom, their contributions in the Indian freedom struggle are always to be remembered, respected, and paid tribute to. Jallianwala Bagh Smarak upholding respect, dignity and sanctity. The Jallianwala and Lahore by the British. Nationalism for future generations. जो थिएटर चल रहा था यहाँ पर, जो हिस्ट्री दिखाई गई है, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में जो कांड हुआ था उसकी पूरी फिल्म है यहाँ पर। राधा के खास्ते हैं जो पहला जो हमारा जो एंट्री गेट था, अपना पहला म्यूजियम था, वहाँ पर थिएटर लगा हुआ था, वहाँ पर सारी हिस्ट्री दिखाई गई थी जलियांवाला बाग की। तो जलियांवाला बाग से जो बाहर जो थिएटर है बाहर निकले गए, उसके अंदर जितने भी यहाँ पर ब्रिटिश का जो तो जर्नल था, डायर जर्नल ने जो सारा काम किया था, गोलियां बारूद जो चलाई थी, उसका निशान है कुछ है वो आपको निशान दिखाऊंगा। आइए, जहाँ पर कुछ लोगों ने भगदड़ में बचने की जो कोशिश की थी, वो जो कुआं है जहाँ पर वो जाके गिरे थे या उधर पना ली थी, वहाँ भी कोई नहीं बचा, उसको दिखाएंगे आपको आगे। आओ, तो अभी मैं जाऊंगा जलियांवाला बाग में, जो शहीद स्मारक जो बनी हुई है, जो मेरे बैक साइड में है, वहाँ का आपको ब्लॉग दिखाऊंगा, काफ़ी अच्छा बना हुआ है। जो लोग शहीद हुए थे उस टाइम के अंदर, मैं आपको वह शहीद स्मारक लेकर चलता हूँ। स्मारक जो स्ट्रक्चर है बना हुआ, समझा, 1919 में जो वॉर हुई थी आपको, जो ब्रिटिश के जो तो ये जनरल डायर ने जो सोचा कि शायद ये हमारे खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं, जिसके दिन बैसाखी के दिन आपको पता होगा, बैसाखी में सारे इकट्ठा होकर अपना एक सेलिब्रेशन करते हैं। तो ब्रिटिश के जो वहाँ थे डॉक्टर जनरल डायर जो थे, वो सोचते हमारे खिलाफ उन्होंने कुछ साजिश रची है, तो इनको शायद अभी इनको यहीं रोकना पड़ेगा। तो गली छोटी थी, गली तंग थी, रूट कम था वहाँ पर, तो ये सिर्फ अपनी सेना के साथ आए थे बंदूक फायर लेके। उसमें 400 की मौत, 400 से लेके 1000 तक के जो शहीद हो चुके थे, 1200 लोग घायल थे। उन्होंने जिसने बचने की कोशिश करी थी, वो आपका राइट साइड में है कुआं, वहाँ जाके वो छुप गए थे, पनाह ली थी, बट वो नहीं बच पाए वहाँ पर भी। और जो मेरे पीछे शहीद स्थल जो है, पीछे एक ये जलियांवाला बाग पूरा बाग है, यहाँ पर राइट साइड में जो अपना जितने भी निशान हैं, जो पुराने उस टाइम की जो है इमारत, वो ऐसी की ऐसी है, 36 गोली के निशान है जहाँ पर मार्क कर रखा सारा। अभी वहाँ दिखाएंगे आपको, इसके बाद आपको बताएंगे इसकी और हिस्ट्री जुड़ी रहे इस ब्लॉक के अंदर। तो मेरे पीछे अभी शहीद स्मारक जो बना हुआ है, जब एंट्री करते थे यही पड़ता है, उसके बाद जो राइट साइड में है
जो उस टाइम का जो स्ट्रक्चर बना हुआ था, जो कमरा मान लो, दीवार मान लो, जो जनरल डायर, ब्रिटिश के जनरल डायर थे, जो फायरिंग की थी वहीं गई थी आज ये। उधर आ यार, उधर चल जा, गोलियां जैसे। ये देखो यहाँ पे जो मार्क का रखा है, देखो जिस तरह मार्क वाला जो एरिया है यहाँ पर, उनकी जो जर्नल ने जो फायरिंग करी थी अंधाधुंध, इन सब ने मार्क कर रखा है, गोली के निशान सारे। तो देखो सामने गोली का निशान, सामने एकदम जूम करने वाला हूँ, सामने एकदम ये सफा सफा दिख रहा है आपका गोली का निशान जो, ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये वो जो मेन जो जगह थी, यहाँ पर लोगों की भगदड़ मच गई थी और यहीं पर लोग शहीद हुए थे। इसके बाद जो राइट साइड का जो पोर्शन है वहाँ पर भी सेम ऐसे ही बना हुआ है, वहाँ पर भी भारी की निशान है काफ़ी। तो अभी दिखाएगी आपको उसके अंदर, आइए। एक और आपका जो पीछे मेरे है वहाँ पर गोलियों की पारी के निशान करे हुए, मार्क करे हुए, आज ये दिखाता हूँ आपको। देखो नीचे तक बार कर रखा है इसके अंदर, देखो सामने, ये देखो सामने सारी गोली के निशान है सारी। ये उस टाइम के जो पहले जो टाइम था उनका, 13 अप्रैल 1919 के अंदर जो नीचे का जो पोर्शन था पहले, अब तो ये थोड़ा सा रिकवर करा गया, बनाया गया बाग के लिए। बाकी जो नीचे का जो एक्सटेंशन था यहाँ से स्टार्ट था, काफ़ी नीचे स्टेड है, अभी इसको ऐसे ही रहने दिया गया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करी गई है ताकि निशान छुप ना जाए इसके अंदर। सल्वेशन ग्राउंड, जलियांवाला बाग के अंदर जो जो मेन चीज़ें थी, जहाँ पर गोली चलाई गई थी जनरल डायर के थ्रू, उनकी सेना के थ्रू जो चलाई गई थी जितनी भी गोली, स्ट्रक्चर देख लिया, शहीद स्थल देख लिया, अभी चलेगा लाश। उस गंभीर स्थिति के अंदर जितने भी लोग थे, बच्चे बूढ़े जवान, अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने कैसे वहाँ पर अपने आप को कुएं में ढकेल दिया, पर फिर भी वो नहीं बच पाए, काफ़ी अफसोस रहा इस चीज़ का देख के। और मुझे भी काफ़ी एहसास ऐसा हो रहा है कि साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ इन लोगों के साथ, ऐसे जो सेलिब्रेशन का डे था उसके दिन वो जो बैसाखी होती है वो गाड़ते उनको मौत के घाट उतार दिया गया।